एतराजात दूर, मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान और बहावलपुर बेंच में अपीलों पर समाअत। उम्मीदवारों की तरफ से सफाई पेश करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से आरोज को नोटिस जारी। 10 जनवरी तक फेरिकीन को सुना जाएगा। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने का मामला लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में। आज 70 अपीलों पर समाअत। N180 से गुलाम मुस्तफा खर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। N152 से उम्मीदवार इमरान शौकत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आरोज के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलें। बहावलपुर में सिंगल बेंच के रूबरू आज 37 अपीलें जेर समाअत। 62 में से अब तक 14 अपीलों पर फैसला किया जा चुका। 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। मुल्क में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। उम्मीदवारों ने भी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। शहरी ओलिया में तशहीरी मवाद आवेजा। वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फ्लेक्सेस लगा दी गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान मंसूख। वजीर आला पंजाब ने आज सेहत और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करना था। दौरा मौसम की खराबी के बायस मंसूख किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब का रुख कर लिया। मुल्तान में दूसरे रोज भी डेरे। बिलावल हाउस में अहम मुलाकातें। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब में शिरकत करेंगे। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काजमी के घर भी जाएंगे। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का एक और छक्का। खानपुर से मुस्लिम लीग नून की दो अहम विकटें उड़ा दी। नवाज खान रंद और कमर दीन खान पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर ने दोनों सियासी रहनुमाओं को टिकट की यकीन दहानी करा दी। बढ़ती महंगाई आवाम के जान पर बनाई। आए रोज महंगाई के झटके। शहरियों ने सर पकड़ लिए। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा बम बनकर गिरा। शहरियों का कहना है बिजली महंगी होने से घर का बिल भी बर्दाश्त से बाहर है। जमा पूंजी बिल अदा करने में खर्च हो जाती है। तर्ज खाते हुए कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार। किरायों में कमी के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। मुल्तान का किराया 120 और खानगढ़ का 100 रुपए वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में झगड़े भी मामूल बन गए। महकमा पासपोर्ट मुल्तान की तरफ से नई सहूलत फ्राहम। साइलेंट को लाइनों से निजात मिल गई। फीस की अदायगी हुई आसान। महकमा की तरफ से मोबाइल ऐप मुतारिफ। शहरी 10 मराहल में फीस अदा कर सकेंगे। मुस्तहिक अफराद को इमदाद की फ्राहमी में ताखीर। बैतुल माल कमेटी मुल्तान का पहला इजलास भी ना हो सका। दरख्वास्तों की वसूली भी ताहाल ताखीर का शिकार। मेंबरान के इंतखाब के बाद इमदाद की फ्राहमी शुरू होनी थी। आईजी पंजाब से डीपीओ खुशाब की टीम के हमराह मुलाकात। जुराइम की शरह में 31% कमी आई। डीपीओ की 4 माह की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। डॉक्टर उस्मान अनवर ने धोती गैंग के 13 करिंदों की गिरफ्तारी पर पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। रुझान के शहरियों को दहलीज पर सहूलत की फ्राहमी। नादरा वैन 5वें रोज भी काम जारी रखे हुए है। शहरियों के शनाख्ती कार्ड बनाने का सिलसिला जारी। साइलन ने नादरा टीम के काम को खूब सराहा। शुजाबाद में ड्राइविंग स्कूल का कयाम सूदमंद साबित। गुज़िश्ता साल 700 अफराद से मुस्तफीद हुए। क्वालिफाई करने वालों में खवातीन की कसीर तादाद शामिल। सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए एहतमाम। बाफर्दा खवातीन के लिए खसूसी इंतजाम। पोलियो के खात्मे का मिशन। साल 9 की पहली इंसाफी पोलियो मुहिम। रहमिया खान समेत जनूबी पंजाब भर में मुहिम का इफ्तिताह। महकमा सेहत की टीमें घर घर बच्चों को कचरे पिलाने में मसरूफ। चोलिस्तानी और दरियाई इलाकों पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। 8 से 12 जनवरी तक 5 साल तक की कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाए जाएंगे।
और डीसीटी स्कूल बावलपुर में चार रोजा फेस्टिवल का दूसरा रोज 400 तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले, खेल खाने पकाने साइंस तजुर्बात में सलाहितों का मुजाहरा, सीखने का बेहतरीन मौका मिलने पर तलबा के तरफ से इजहार मुसर्रत।